Hello friends, my name is Ankit Yadi. Today I am going to discuss a very important topic for you, that is a noun. But you know, hota kya hai? What is the definition of a noun? Hum log noun kehte kise hain, question ye hai. Actually, I have written 5 definitions of noun here. Maine yahan par noun ki aapko 5 definitions bachcho maine yahan par likhi hai. Aur aapko dekhiye noun bilkul acche se set ho jaye mind mein. Hum log ko bada confusion hai noun hota kya hai. First definition is that to see or to feel. देखिए मैंने क्या कहा, to see or to feel. ऐसी कोई चीज जिसको हम लोग देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो नाउन है. वो क्या है, नाउन है. Which we can see or feel, वो क्या है, नाउन है. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, आप भी क्या है, नाउन है और मैं भी क्या है, नाउन. मार्कर बच्चों दिख रहा है, दैट इज अ नाउन. टी शर्ट बच्चों क्या है, नाउन है, दिख रही है. मोबाइल बच्चों क्या है, नाउन. एक्चुअली वी आर सराउंडेड बाय नाउन्स, हम चारों तरफ नाउन से घिरे हुए हैं. रूफ बच्चों देख सकते हैं, रूफ, रूफ क्या है, नाउन. फ्लोर बच्चों क्या है, नाउन. जितनी भी चीजें हमें आसपास दिख रहे हैं वो सब क्या है, नाउन. आप लोग जितने भी अपने आसपास सारी चीजें देख रहे हैं वो सब क्या है, नाउन है. देखिए हम लोग टेबल देख सकते हैं ना, मोबाइल हम लोग देख सकते हैं ना, नोज हम लोग देख सकते हैं ना, आईज हम लोग देख सकते हैं ना, फिंगर बच्चों हम लोग देख सकते हैं ना, और जिसको हम देख सकते हैं वो क्या है. फील से क्या मतलब है, अक्सर हम लोग कहते हैं मुझे लव होता है. अब बच्चों लव का कलर पता है किसको क्या होता है, लव रेड कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, येलो कलर का होता है. हम लोग लव को क्या करते हैं, फील करते हैं, और जिसको हम फील कर सकते हैं वो क्या है, नाउन. हम लोग अक्सर कहते हैं उसने मेरे साथ ऑनेस्टी की है, उसने मेरे साथ क्या की है, ऑनेस्टी की है. ऑनेस्टी का बच्चों कलर क्या होता है, ब्लैक होती है ऑनेस्टी, ब्राउन होती है, येलो होती है, रेड होती है, क्या होती है बच्चों. हम लोग क्या कहते हैं, उसने मेरे साथ क्या किया, कल ईमानदारी की. तो ऑनेस्टी को हम लोग फील कर रहे हैं ना, और जो फील कर रहे हैं वो क्या है, नाउन है. मैं उससे बहुत नफरत करता हूं, मुझे बहुत नफरत है उससे बच्चों, मुझे उससे बहुत क्या है, नफरत है. अब नफरत करता हूं बच्चों, देखिए नफरत करना तो अच्छा हो जाएगा ना, लेकिन मुझे उससे बहुत नफरत है, हेट बच्चों, मुझे उससे क्या है, बहुत नफरत है. तो नफरत क्या होगा बच्चों, हेट वर्ड भी क्या होगा, नाउन हो जाएगा बच्चों. देखिए सेकंड डेफिनेशन इज दैट क्या है, A noun is a naming word. देखिए क्या लिखा है, A noun is a naming word. बच्चों जो noun होता है वो एक नाम होता है. नाम से मतलब क्या है, हम लोगों ने एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल नाम क्या दे दिया गया बच्चों, मार्कर. वो मार्कर एक नाम है ना, कोई पर्सन है बच्चों, किसी पर्सन का नहीं है रोहन, मेरा नाम है अंकित यादव. बच्चों हमने एक आर्टिकल बनाया, देखिए क्या बनाया, बोर्ड. और बोर्ड इसका क्या नाम लिख दिया है बच्चों, क्या नाम दिया है, बोर्ड. बोर्ड क्या नाम, हम लोगों ने एक आर्टिकल बनाया बच्चों, नाम लिख दिया मोबाइल, क्या है, नाउन है. कोई भी वस्तु बनाई, नाम क्या रख दिया, टेबल. टेबल क्या है, नाउन है. तो मैंने कहा जिसका भी कोई नाम होता है वो किसी पर्सन का नहीं हो सकता है, किसी प्लेस का नहीं हो सकता है, किसी थिंग का नहीं हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. और थर्ड डेफिनेशन देखिए क्या है बच्चों, एवरीथिंग इज नाउन एक्सेप्ट अवर एक्शन. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. एक्शन का मतलब सीधे सीधे वर्ब से मतलब है. मैंने कहा हर चीज नाउन है, किसको छोड़कर बच्चों, एक्शन को छोड़कर. एक्शन से मतलब क्या है, खाना पीना पढ़ना लिखना सोना जागना, ईट गो कम, जो भी हम लोग एक्शन कर रहे हैं, स्पीक. देखिए मैं बोल रहा हूं ऐसे, तो क्या एक्शन, एक्शन को छोड़कर बच्चों हर चीज क्या है, नाउन है. बट रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर यू. अभी मैं कुछ और बोलने जा रहा हूं, देखिए बोलने क्या जा रहा हूं. मैंने कहा एक्शन को छोड़कर चीज क्या है, नाउन है. एक्शन समझ गए ना, दौड़ना चिल्लाना ना, क्राई बच्चों, रन, ये क्या है सब वर्ब. तो इनको छोड़कर मैं क्या कह रहा हूं, सचिन क्या है, नाउन है. एक्चुअली इस पॉइंट को समझने से पहले एक पॉइंट समझते हैं बच्चों, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में आई ओएन हो बच्चों, लास्ट में क्या हो, आई ओएन. देखिए मैंने क्या कहा है, दुनिया का ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में आई ओएन आता है तो बच्चों आंखें बंद कर लो, वो क्या है, वो नाउन है. वो क्या है, वो नाउन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कहते हैं बच्चों स्टेशन, देखिए मैंने क्या कहा, क्या स्टेशन लास्ट में क्या है, आई ओएन. स्टेशन क्या नाउन है, हम लोगों ने देखा है ना, स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन देखा है, और जिसको हम लोग देख सकते हैं वो क्या है, नाउन. बच्चों देखिए लाइन, एल आई वर्ड, लास्ट में क्या है, आई वर्ड, क्या हुआ, नाउन. मैंने कहा दुनिया का ऐसा कोई वर्ड उठाई जिसके लास्ट में आई वर्ड है वो क्या है, नाउन. एडिशन बच्चों, ए डबल डी आई टी आई ओ एन, देखिए लास्ट में क्या है, एडिशन. एड दैट इज अ वर्ब, बट एडिशन दैट इज अ नाउन. सब्ट्रैक्शन क्लास में क्या आता है, आई वर्ड आता है, क्या है, नाउन है.
क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है। अब जब हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा हर चीज नाउन है, इसको छोड़ के बच्चों एक्सेप्ट को छोड़ कर। और एक डेफिनेशन देखिए, मैंने यहां पे एक जनरल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने इस डेफिनेशन को। देखिए मैंने क्या लिखा है, किसी पर्सन का नहीं, पर्सन मतलब बच्चों राहुल, सोनिया, मोहन, रामू, कैटरीना, देखिए कैटरीना क्या है, सलमान खान क्या है, नाम किसी का नहीं। प्लेस बच्चों, हम लोगों ने कोई भी प्लेस बनाया उसका नाम रख दिया, देखिए बॉम्बे, दिल्ली, एक प्लेस बनाया नाम क्या रखा, जीटीपी ने वसुंधरा, देखिए गाजियाबाद में जो जगह है, देखिए हम लोगों ने क्या बनाया है, कोई भी जगह है बच्चों, आगरा बच्चों देखिए क्या है, एक प्लेस है, यूपी एक सिटी का नहीं। और जो एक नेम होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था जो नेम होता है वो क्या होता है, वो नाउन होता है। देखिए नेक्स्ट मैंने क्या रखा बच्चों, देखिए थिंग, थिंग मतलब पेंसिल, अब एक वस्तु बनानी है, एक आर्टिकल बनाया, नाम क्या रखा है, पेंसिल, पेन, शर्ट, टेबल, चेयर, मैनी बोर्ड, मोबाइल, हम लोग दुनिया भर की चीजें, फ्रिज, एसी, ये सब क्या है, बैग, ये सब क्या है, नाउन। जो भी चीज हम लोग बना रहे हैं और हमने उसको नाम दे दिया है वो नाम क्या है, नाउन है बच्चों, नेम्स ऑफ थिंग्स आप कह सकते हैं। बच्चों यहां पर देखिए मैंने लिखा है नेम्स ऑफ कंडीशंस आल्सो, कंडीशंस का मतलब क्या है बच्चों, देखिए इनलेस, मैंने कहा एट दिस टाइम ही इज इनलेस, वो किसमें है, इनलेस में है, इनलेस समझते हैं बीमारी, बीमारी कंडीशन में है। हम लोग कहते हैं हैप्पीनेस, वो किसमें है, हैप्पीनेस में है। आजकल वो किसमें जी रहा है, खुशी में जी रहा है बच्चों, दोनों ही सिचुएशन किसको बताते हैं, सिचुएशन को बताते हैं, यू कैन से कंडीशन को बताते हैं। नेक्स्ट वो देखिए मैंने क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, इनको जनरली हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फील करते हैं। और मैंने कहा जिसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या है, नाउन है, वो आपकी कंडीशन हो सकती है। लव बच्चों देखिए, लव भी मैं यहीं पर लिखूंगा, लव भी हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, जो आपकी कंडीशन को बताए या फिर बच्चों जिसको हम फील करें, एयर बच्चों में एयर क्या है, वो भी नाउन है जिसको हम फील करते हैं। लेकिन देख रहे हैं एक्सोरी, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बच्चों क्या, एनिमल, एनिमल मतलब आप लोग सब चाहते हैं, एनिमल को आप लोग देख सकते हैं, डॉग, लायन, एमरेड ना, एलिफेंट आप लोग देख सकते हैं, टाइगर आप लोग देख सकते हैं, और जिसको आप देख सकते हैं वो क्या है, वो नाउन है, क्योंकि ये नेम्स ऑफ एनिमल्स बच्चों। यहां पर मैंने देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है एक्शन, और यहां पर मैंने एक्शन को मना किया, देखिए ये जो डेफिनेशन है वो मेरी कॉन्ट्राडिक्ट डेफिनेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई एम सेइंग दैट आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग इज नाउन एक्सेप्ट आवर एक्शन, हर चीज नाउन है, किसको छोड़कर, एक्शन को छोड़कर, लेकिन मैंने यहां नाउन में किसको लिख दिया बच्चों, एक्शन लिख दिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना। एक्चुअली यहां पर मैं एक्शन को मना कर रहा हूं बच्चों, मैंने एक्शन को मना किया है कि एक्शन जो है वो क्या नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, लेकिन यहां एक्शन को मैंने किसमें लिखा है, नाउन में लिखा है। हम लोग देखते हैं बच्चों एक्शन को हम लोग नाउन कैसे कह सकते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन ये है, आइए इधर चेक। देखिए बच्चों मैं दो सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, देखिए मैंने क्या लिखा बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप लोगों ने अक्सर ये सेंटेंस सुना है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट आई एम स्मोकिंग, देयर आर टू सेंटेंस। यहां पर बच्चों मैंने स्मोक, दैट इज अ वर्ब, स्मोक सब लोग जानते हैं, धूम्रपान करना, स्मोक में मैंने यहां पर भी आईएनजी लगाया और स्मोक में यहां पर भी आईएनजी लगाया, बट रिमेंबर देखिए आई दैट इज सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, और जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब और दैट इज अ मेन वर्ब। एक्चुअली एक्शन क्या हो रहा है यहां पर, यहां पर कौन क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, आई एम स्मोकिंग, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मैं, और आई एम क्या हेल्पिंग वर्ब है, और चल क्या है बच्चों, स्मोकिंग दैट इज अ वर्ब ना, आप मेन वर्ब कहिए, आप एक्शन कहिए, आप वर्ब कहिए, जो भी कहना है, क्योंकि एक्शन को वी से क्या वर्ब, हम एक्शन को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, दैट इज मेन वर्ब, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, और स्मोकिंग क्या है, मेन वर्ब है, क्या आप उसका एक्शन बोल सकते हैं, नहीं ना। बट यहां पर देखिए मैंने स्मोक में आईएनजी लगाया है और मैं यूज कर रहा हूं स्मोक को सब्जेक्ट के प्लेस पर, किसके प्लेस पर, सब्जेक्ट के प्लेस पर, क्या यहां पर कोई एक्शन हो रहा है क्या, मुझे बताइए, स्मोकिंग दैट इज अ सब्जेक्ट, दैट इज वर्ब, इंजूरियस दैट इज एडजेक्टिव, टू दैट इज प्रीपोजिशन, और हेल्थ यू नो वेरी वेल दैट इज नाउन। हमने कहा जो स्मोकिंग है, जो धूम्रपान है, वो हेल्थ के लिए क्या होता है, इंजूरियस होता है, क्या यहां पर कोई स्मोकिंग कर रहा है, मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा है क्या, नहीं ना।
स्मोकिंग दैट इज अर्जेंट हियर. देखिए मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए. बच्चों जब हम लोग किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाकर, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मैं अगेन अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, अगर हम किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाकर, क्या करके बच्चों, अगर हम किसी भी वर्ब में, अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर यूज करते हैं, यूज एज अ सब्जेक्ट, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब आप किसी भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, आप उसे किसके तरह यूज करेंगे, एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, तो हम उस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को क्या बोलते हैं, जिरंट, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, और एज जिरंट को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नाउन, वी से दैट इज अ नाउन. मतलब क्या था, मतलब ये था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर अगर उसे आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो हम उसे क्या बना सकते हैं, नाउन बना सकते हैं. इससे मैंने उस डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, जहां पर एक्चुअली रियल एक्शन हो रहा है, आई एम स्मोकिंग, दैट इज अ रियल एक्शन, बट यहां पर क्या कोई एक्शन हो रहा है नहीं ना, तो जहां पर रियल एक्शन नहीं हो रहा और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसे यूज कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ जिरंट, और जिरंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन यहां पर रिमेंबर देखिए यहां पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए. आइए कुछ एग्जांपल्स की और बात करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों. नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट आई एम सेइंग दैट टीचिंग, देखिए टीचिंग इज अ गुड जॉब, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, टीचिंग इज अ गुड जॉब. अब मेरे पास एक सेंटेंस है, आई एम टीचिंग, I am teaching. अब आप लोग ही बताएंगे, देखिए यहां पर टीचिंग कौन कर रहा है, कौन टीचिंग कर रहा है बच्चों, आई एम टीचिंग, टीचिंग कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज हेल्पिंग वर्ब और दैट इज मेन वर्ब, यू कैन से दैट इज एक्शन. क्या आप इसको यहां पर डाउन बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं. लेकिन देखिए यहां पर टीच में मैंने आई एन जी लगाकर किसकी तरह यूज किया है, एज ए सब्जेक्ट मैं इसको यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं बच्चों, सब्जेक्ट में यूज कर रहा हूं, और सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, You can say that is student. क्या मेरी बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, आइए मैंने कहा he likes reading. देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक सेंटेंस है मेरे पास, he likes reading, और बच्चों एक सेंटेंस और है, he is reading. He is subject. That is main verb. और main verb के बाद जो आता है वो क्या होता है, वो होता है बच्चों object. क्या होता है, ऑब्जेक्ट. और इस ऑब्जेक्ट को देखो वर्ब की वस्तु में आईएनजी लगाकर मैंने रीड को, रीड में आईएनजी लगा है, वर्ब की वस्तु में आईएनजी लगा मैंने किसके तरह यूज किया है, ऑब्जेक्ट के तरह यूज किया. इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों जिरंट, और जिरंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, नाउन. क्या मेरी बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई, बिकॉज दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज मेन वर्ब और दैट इज ऑब्जेक्ट. एक्चुअली यहां पर कुछ एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन लाइक का हो रहा है, रीडिंग का नहीं हो रहा है, और मैंने कहा जब वर्ब की वस्तु में आईएनजी लगाकर उसे यूज करें एज सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, उसमें फिर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए. और रीड यू नो वेरी वेल दैट इज अ वर्ब, पढ़ना इसका मतलब, यहां पे इसको मैं क्या बोलूंगा, जिरंट रूप में नाम बोलूंगा. बट यहां पर देखिए बच्चों क्या है, दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज क्या, हेल्पिंग वर्ब और दैट इज मेन वर्ब. क्या यहां पर कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कौन एक्शन कर रहा है, ही कर रहा है, तो ही कर रहा है दैट इज अ एक्शन. आप यहां पर इसको जिरंट नहीं बोल सकते, क्या मेरी बात क्लियर है. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है बच्चों, एक ही नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं You are walking. You क्या है subject? Are क्या है? Helping verb. Walking यहाँ पर action हो रहा है. तुम क्या कर रहे हो? तुम action कर रहे हो ना? तुम क्या कर रहे हो? तुम walk कर रहे हो. And बच्चों मैं कह रहा हूँ, she likes walking. देखिए, she that is subject, likes that is a main verb. और walking किसके place पर है? Object के place पर है. She likes walking. तो यहाँ पर जो action हो रहा है, वो like का हो रहा है. किसका like? किसका action हो रहा है बच्चों? Like का action हो रहा है. लेकिन वॉकिंग को तो वो लाइक करता है, और जिस पर काम होता है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है. क्या मेरी बात क्लियर? यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, और बच्चों देखिए काम किस पर हो रहा है, रीडिंग पर. वो पसंद किसको कर रहा है, रीडिंग. जिसको हम लोग पसंद करते हैं वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है. और मैंने यही बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर अगर उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिरंट बोलते हैं. जिरंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नाउन. आई होप सो नाउन की डेफिनेशन क्लियर होगी. दुनिया की सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है बच्चों, इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई एम सेइंग एनीथिंग वी कैन सी,
एंड फील, दुनिया की ऐसी कोई चीज जिसको हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो क्या है प्राण। थैंक यू बच्चों, आई होप सो आप लोग को मेरी बात क्लियर होगी व्हाट द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं नाउन की आपको कैटेगरीज एंड काइंड्स बताऊंगा। आप लोगों ने जो अब तक कहीं नहीं पढ़ाया वो आपको यहां पर मिलने वाला है। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, आप कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो बच्चों, मैं चाहता हूं मेरी वीडियोस देखिए आप लोग, और मैं एग्जाम्स के ऑथेंटिक ही एसएससी बैंक रेलवे आपका जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, आपका सीडीएस है, आपका एनडीए है, जितने एग्जाम में भी इंग्लिश आती है बच्चों, वो सारे कंसेप्ट मैं यहां पर क्लियर करूंगा और मैं आपको प्रैक्टिस भी यहां पर कराऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।